दोस्तों बिग बॉस से घर से किया गया है 3 कॉन्टेस्टेंट को एविक्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, बॉटम 6 में जो 6 लोग थे, उमर रियाज, सिम्बा नागपाल, जय भानुशाली, विशाल कोटियान, नेहा भसीन और राजीव अदातिया, इन 6 में से बिग बॉस कह रहे थे कि सभी लोग जा सकते हैं बिग बॉस से बाहर। दोस्तों एक एक करके जा भी रहे हैं। पहले दिन बिग बॉस से बाहर भेजा गया सिम्बा नागपाल को और अगले दिन 3 कॉन्टेस्टेंट को एक साथ बिग बॉस से बाहर निकाला गया। कौन कौन है यो? विशाल कोटियान, जय भानुशाली और नेहा भसीन को। दोस्तों विशाल स्ट्रॉन्ग कॉन्डिनेटर लग रहा था बिग बॉस में और जय भी ठीक ठाक ही कर रहा था, लेकिन इन दोनों को बिग बॉस से बाहर निकाला गया। और नेहा भसीन कुछ ही दिन पहले आए थे, वो भी ठीक ठाक ही लग रही थी। तो बिग बॉस इन तीनों को हटाकर एक गेम खेला है। जी हाँ दोस्तों, आने वालों कुछ ही दिनों में हम विशाल कोटियान और जय भानुशाली को वापस हम देख सकते हैं बिग बॉस के सेट में। जी हाँ दोस्तों, अंदर से खबर जो आ रहा है इन दोनों को रीएंट्री दिया जाएगा बिग बॉस में और हो सकता है सीक्रेट रूम का इंट्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिग बॉस को फॉलो किया है हर सीजन, आप जानते हैं कि सीक्रेट रूम में हर बार कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कंटेनर को रखा जाता था। ऐसा कोई कंटेनर को नहीं रखा जाता था जो कि ना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और एविशन के बाद सीक्रेट रूम से रीएंट्री करवाया जाता था जो कि दिखने में भी बहुत अच्छा लगता था। और ऐसा सीक्रेट रूम की जो बात है वो करेंगे, क्योंकि विशाल कोटियान और जय भानुशाली को इतना जल्दी बिग बॉस एविक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि उनसे भी वीक कॉन्टेस्टेंट ऑलरेडी बिग बॉस के घर में है। तो कब होगा ये, कब होंगे वो रीएंट्री, हमें करना होगा इंतजार। लेकिन दोस्तों बिग बॉस के घर में हुआ है और 4 वर्ल्ड कप के एंट्री, उनमें से कोई शो नहीं जीतने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देवोलीना और रश्मि देसाई एज ए गेस्ट वर्ल्ड कप आए हैं और साथ में राखी सावंत भी, तो परमानेंट जो खिलाड़ी है उनको वापस लाना होगा और कुछ परमानेंट वर्ल्ड कप की एंट्री होने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बिग बॉस के घर में ये लोग अगर रीएंट्री ले तो बिग बॉस का टीआरपी बढ़ेगा या फिर आपको अच्छा लगेगा, या नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।